नागपुर में पांचपौली थाने के तहत नाइक तालाब चौक की पुलिस चौकी के पीछे छापा मारकर क्राइम ब्रांच की टीम ने नायलॉन मांझे के 707 चक्रियां जब्त की है। यह कार्रवाई रविवार की शाम हुई। पुलिस चौकी के पीछे ही मांझा की खुलेआम बिक्री हो रही थी। घटनास्थल पांचपौली पुलिस की चौकी के पीछे ही होने से बिक्री की खबर डीपी स्क्वाड बीट मार्शल को नहीं होने पर आश्चर्य जता जा रहा है। इसके चलते शहर की पांचपौली पुलिस भी संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस को पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले आरोपी सुबोध मदन लाल कोहाड़ के नायलॉन मांझे की बिक्री में लिप्त होने की खबर मिली थी। सूचना मिलने पर यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायन्नावार, एपीआई पवन मोरे की टीम ने शाम 4 बजे कोहाड़ के घर पर छापे की कार्रवाई की। उसके घर के सामने से पुलिस को 4,24,000 रुपये कीमती का मांझे सहित ऑटो भी मिल गया। माननीय पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यानी तसेच डीसीपी डिटेक्शन सर यांनी नायलॉन मांझा बाळगणारे विक्री करणारे यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने युनिट 3 कडून गेल्या महिन्याभरात 2 कारवाई यापूर्वी करण्यात आलेल्या आहेत। आज सुद्धा एक मोठी कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये तांडापेठ पाचपावली येथे राहणारा सुबोध कोवाड नावाच्या इसमाकडून आम्ही 13 बॉक्स नायलॉन मांझ्याचे जप्त केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये एकूण 707 नायलॉन मांझ्याच्या चक्री आहेत। तसेच त्याच्याकडून एक महिंद्रा अल्फा नावाची गाडीसुद्धा जप्त केलेली आहे। या सर्व मुद्देमालाची किंमत जवळपास 6,24,00,000 इतकी आहे।